गुड मॉर्निंग। आज की डेट है 2 अक्टूबर 2018 और हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं करंट अफेयर एमसीक्यू। और देखिए, इससे रिलेटेड जो भी पीडीएफ है वो आपको हमारे यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी, और आप हमारा जो फेसबुक का पेज है ये भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे सभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं आज के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कि हु हैज रिसेंटली स्टार्टेड द SATAT इनिशिएटिव, यानी कि हाल ही में पहला स्टेट पहल की शुरुआत किसके द्वारा की गई है, ठीक है। तो ऑप्शन के अंदर देखिए, ये यहाँ पे की गई है धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा, यही है धर्मेंद्र प्रधान, जो कि केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और कौशल विकास के उद्यमियता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक टर्म आई है SATAT, ये है क्या? देखिए, ये है यहाँ पे सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवार्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि यहाँ पे जो पहल की गई है वो इस पहल के अंदर जो वाहनों के अंदर उपभोक्ताओं को साथ ही साथ किसानों को, यहाँ पे दोनों को फायदा होगा इस टर्म के अनुसार। ये यहाँ पे ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के साथ में एक समझौता किया गया है, जिसके चलते गैस और पेट्रोलियम के उत्पादन के अंदर यहाँ पे संयंत्र लगाए जाएंगे, जिसके चलते मोटर वाहनों को ईंधन के अंदर उपयोग करने के लिए बाजार के अंदर CBG उपलब्ध करवाने के लिए इसको लॉन्च किया गया है, ताकि आने वाले टाइम के अंदर इन चाहे वो हम वाहनों की बात करें या फिर किसी और चीज़ की बात करें, तो यहाँ पे क्या है, जो किल्लत आज हमें देखने के लिए मिल रही है वो आने वाले टाइम में नहीं होगी, ठीक है। चलते हैं आगे। वर्ल्ड हाउसिंग डे इज सेलिब्रेटेड, यानी कि विश्व आवास दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन के अंदर देखिए, ये यहाँ पे मनाया जाता है 1 अक्टूबर को। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा। देखिए, संयुक्त राष्ट्र ने हर वर्ष अक्टूबर के पहले सोमवार को विश्व आवास दिवस के रूप में नामित किया है, और जिसके चलते विश्व आवास दिवस अब की बार 1 अक्टूबर 2018 को यहाँ पे मनाया जाएगा। और इसके अंदर विषय जो रहेगा वो हमारा नगर निगम ठोस अपशिष्ट प्रबंधन रहेगा। और विश्व के यहाँ पे जो आवास की स्थापना है वो कब की गई थी, इसको कब सेलिब्रेट जो करना है वो शुरू हो गए थे, तो 1985 के अंदर से हम इसको यहाँ पे सेलिब्रेट करते जो है आ रहे हैं, ठीक है। और इसी माध्यम से यहाँ पे इसको गठित किया गया था, और पहली बार 1986 को इसको यहाँ पे मनाया गया था। विश्व आवास दिवस का उद्देश्य है पर्याप्त आश्रय के लिए हमारे, जैसे कि कस्बे हो गए या फिर शहर हैं, उनकी स्थिति के अंदर मूल अधिकार से व्यवस्था करना, ठीक है। चलते हैं आगे। रिसेंटली पंडित तुलसीदास बोरकर डाइड, विच बिजनेस वाज इट कनेक्टेड टू, यानी कि जो पंडित तुलसीदास जी बोरकर हैं उनका निधन हो गया है, ये किस व्यवसाय से जुड़े हुए थे? तो ऑप्शन के अंदर देखिए, ये यहाँ पे जुड़े हुए थे, एक हारमोनियम प्लेयर थे ये। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा। देखिए, प्रसिद्ध हारमोनियम वादक पंडित तुलसीदास बोरकर, जिनका कि मुंबई के अंदर निधन हो गया है, ये अभी हाल फिलहाल 84 वर्ष के थे। उनका इलाज जो चल रहा था, यानी कि उनके अंदर इन्फेक्शन हो गया था चेस्ट के अंदर, जिसके चलते उनकी यहाँ पे मृत्यु हो गई। अगर हम इनके बारे में बात करें तो गोवा के अंदर जन्मे थे बोरकर, और हारमोनियम के साथ इनका बहुत ही पुराना नाता रहा है, जिसके चलते इनको 2016 के अंदर पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया था, ठीक है। चलते हैं आगे। इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे इज सेलिब्रेटेड, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन के अंदर देखिए, ये यहाँ पे मनाया जाता है 30 सितंबर को। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा, इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे, जो कि 30 सितंबर सेंट जेरोम बाइबल के अनुवाद का पर्व यहाँ पे मनाया जाता है, जिन्हें अनुवादों का संरक्षण संत माना गया है। और अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस 2018 का जो विषय है वो रहेगा यहाँ पे ट्रांसलेशन प्रमोटिंग कल्चरल हेरिटेज इन चेंजिंग टाइम्स। जो सेंट राम थे, इन्होंने यहाँ पे उत्तर पूर्वी इटली के अंदर एक पादरी थे, और जो ज़्यादातर नए बाइबल यानी कि ग्रीक या फिर पांडुलिपियाँ, इस तरह की जो लेटिक जो यहाँ पे लैंग्वेज होती थी
उन बाइबलों का ये अनुवाद करने के लिए प्रयास किए जाने के लिए जाने जाते हैं। और उन्होंने एक ग्रीक के अंदर हिब्र गोस्पेल के हिस्सों का भी यहाँ पे अनुवाद किया है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे। ठीक है, चलते हैं आगे। रिसेंटली द बैंक हैज इम्पोज ए पेनल्टी ऑफ 5 करोड़ ऑन विच बैंक, यानी कि आरबीआई ने किस बैंक के ऊपर 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। तो ऑप्शन के अंदर देखिए, ये है यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा, करूर वैश्य बैंक के ऊपर। ठीक है, इनके ऊपर यहाँ पे आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने निर्देशों का गैर अनुपालन करने के चलते 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया गया है। अब यहाँ पे जो भारतीय रिजर्व बैंक है, उन्होंने यहाँ पे बताया है कि उनके अनुसार यहाँ पे आय मान्यता और संपत्ति वर्गीकरण जो है उसके मापदंडों के अंदर धोखाधड़ी की गई है बैंक के द्वारा, जिसके चलते यहाँ पे आरबीआई ने इनके ऊपर यहाँ पे इनकम रेगुलेटिंग एंड असेस्ड क्लासिफिकेशन के जरिए इनके ऊपर जुर्माना जो है वो लगा दिया गया है। अब देखिए, यहाँ पे जो और क्वेश्चन इसके अंदर बन सकते हैं कि आपसे पूछा जा सकता है कि जो करूर वैश्य बैंक है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये है करूर तमिलनाडु के अंदर। यहाँ पे आपसे इसके एमडी और सीईओ भी पूछे जा सकते हैं, तो ये है पीआर शिद शाद्री। ठीक है, ये यहाँ पे इसके सीईओ और एमडी हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। वेयर इज द एनोग्रेशन ऑफ 3 डे कालाहांडी टास्क रिसेंटली, यानी कि 3 दिवसीय कालाहांडी वार्ता का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो ऑप्शन के अंदर देखिए, ये किया गया है ओडिशा के अंदर, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा। किसके द्वारा किया गया है, तो देखिए यहाँ पे ये किया गया है जो कि मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक ओडिशा के, इनके द्वारा। यहाँ पे विकास और वैश्विक सम्मेलन है, जिसके चलते 3 दिवसीय एक कालाहांडी वार्ता का एक विषय रखा गया है। और इसके अंदर जो मंच है वो मुख्यमंत्री ने कालाहांडी जिले के लिए कई परियोजनाएं जो है शुरू की है। अब जो सुजीत कुमार कालाहांडी है वो वार्ता के यहाँ पे अध्यक्ष रखे गए हैं, और वार्ता का उद्देश्य है कि गतिविधियों के अंदर युवाओं को भी शामिल करना। ठीक है, और इसी के चलते यहाँ पे कालाहांडी की जो वार्ता है वो रखी गई है। अब देखिए, यहाँ पे उड़ीसा का नाम आया है तो हमें पता होना चाहिए कि उड़ीसा के गवर्नर यानी कि राज्यपाल कौन है, तो ये है गणेशी लाल। और यहाँ के अगर हम और बात करें तो सीएम हम देख ही चुके हैं। ठीक है, तो चलते हैं आगे। हुज इज द करंट चेयरपर्सन ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी कि वर्तमान के अंदर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो ऑप्शन के अंदर देखिए, ये है देवेंद्र कुमार सिकरी, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा, यही है देवेंद्र कुमार सिकरी। अगर इनके बारे में बात करें तो यहाँ पे जो आर्थिक ढांचा है उसकी आवश्यकता के लिए संबंधित अधिनियम को समकालीन बनाने के लिए इनका उद्देश्य है कि केंद्र सरकार के अंदर जो कंपटीशन है उसके दौरान समीक्षा के लिए यहाँ पे कंपटीशन अधिनियम समीक्षा का गठन किया जाए। वर्ष 2002 के अंदर यहाँ पे कंपटीशन अधिनियम के अकॉर्डिंग भारतीय कंपटीशन आयोग की जो स्थापना की गई थी। अब 2009 के अंदर भारतीय कंपटीशन आयोग ने यहाँ पे कार्य करना जो है आरंभ कर दिया है, और देश के अंदर कंपटीशन विकास और बाजार उचित नीतियों को यहाँ पे लेकर के आया है। ठीक है, चलते हैं आगे। इन विच सिटी डिड द प्राइम मिनिस्टर एनोग्रेटेड महात्मा गांधी म्यूजियम रिसेंटली, यानी कि प्रधानमंत्री के द्वारा किस शहर के अंदर महात्मा गांधी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। तो ऑप्शन के अंदर देखिए, ये यहाँ पे किया गया राजकोट के अंदर, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजकोट के अंदर महात्मा गांधी संग्रहालय का उद्घाटन किया। संग्रहालय के अंदर एल्फ्रेड हाई स्कूल के अंदर स्थापित किया गया, जो कि महात्मा गांधी के प्रारंभिक वर्षों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। ठीक है, चलते हैं आगे। विच स्टेट गवर्नमेंट इज कंस्ट्रक्टिंग इंडिया बिगेस्ट वॉर मेमोरियल, यानी कि यहाँ पे कौन सी राज्य सरकार भारत का सबसे बड़ा युद्ध स्मारक बना रही है। तो ऑप्शन के अंदर देखिए, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा, झारखंड। ठीक है, यहाँ पे जो झारखंड की सरकार है, झारखंड के जो मुख्यमंत्री है रघुबर दास, उन्होंने कहा है कि उनकी सरकार का सबसे बड़ा जो युद्ध स्मारक है वो बना रही है।
जैसे कि शहीद सैनिकों की बहादुरी की कहानियाँ युद्ध स्मारक के ऊपर लिखी जाएंगी, और जिसमें कारगिल का जो युद्ध हुआ था उसके अंदर प्रतिकृति होगी, ताकि युवा के अंदर राष्ट्र के प्रति यहाँ पे कर्तव्य को समझे और उनके अंदर एक जोश आए। झारखंड सरकार ने उन सैनिकों के रिश्तेदारों को मुआवजा देने की राशि जो है वो बढ़ा करके 2 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक कर दी गई है, जो देश की सेवा करते समय टाइम शहीद हो गए थे। ठीक है, चलते हैं आगे। रिसेंटली हु हैज़ बीन इलेक्टेड प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी, यानी कि हाल ही के अंदर किसे भारतीय समाचार पत्र सोसाइटी का अध्यक्ष चुना गया है? तो ऑप्शन के अंदर देखिए, ये यहाँ पे चुना गया है, ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे करेक्ट रहेगा, जयंत मेनन मैथ्यू। ठीक है, यही है जयंत मेनन मैथ्यू, जिनको यहाँ पे मलयाला मनोरमा के कार्यकारी संपादक जयंत मामेन मैथ्यू को देश के प्रिंट मीडिया उद्योग के शीर्ष निकाय के लिए इनको यहाँ पे चुना गया है। ठीक है, चलते हैं आगे। रिसेंटली हु हैज़ बिजनेस वर्ल्ड 40 अंडर 40 टाइटल्स, यानी कि हाल ही में किसने बिजनेस वर्ल्ड का 40 अंडर 40 शीर्षक जो है जीता है? तो ऑप्शन के अंदर देखिए, ये है यहाँ पे चिरंजीवी पटेल, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा। देखिए, ये यहाँ पे प्रमुख उद्यमी है चिरंजीवी पटेल, जिन्होंने गुड़गांव के अंदर आयोजित एक 40 अंडर 40 BW बिजनेस वर्ल्ड पुरस्कारों के अंदर दूसरा यहाँ पे एडिशन जो है हासिल किया है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक कर दीजिए, लाइक करने के साथ साथ शेयर भी कर दीजिए, और हाँ, हमें कमेंट करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।